नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, परिचय पत्र व प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता, जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों को पंचायत विभाग द्वारा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, परिचय पत्र पर चालाकी आज दिनांक राशि न दिए जाने जोरदार धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव और प्रधान दोनों मिलकर लीपापोती किए हैं। क्या मामला है, जिलाधिकारी कार्यालय पर आई है, कहाँ ग्रहण? हम लोग CLPS चैंपियन यानी प्रशिक्षण प्राप्त स्वच्छाग्रही, तो DPRO साहब का आदेश था, बकायदे सूचीबद्ध तरीके से हम लोगों का नाम भेजे थे ब्लॉक पर कि ये लोग प्रशिक्षित हैं, इन लोगों को 3-4 राजस्व गांव देकर इन लोगों के देख रेख में शौचालय का निर्माण कराया जाए। हम लोग अब उसी तरह लगे रहे अपने काम में कि ये भेज दिए हैं सूची, और ब्लॉक से क्या हुआ है कि हम लोगों को डार्क में रख के और अपने चहेते लोगों को धन उगाही के बल पर इस लाभ के तहत रख लिया गया है। और जब हम लोग गए अपना वो लेने प्रोत्साहन राशि लेने गए तो पता चला कि आप लोगों का चुनाव ही इसमें नहीं, तो काम हम लोग करें। और हम लोग आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? करीब 2018 से। पहले हम लोग गांव-गांव में जाके जनता को प्रशिक्षित करने का काम कि खुले में शौच नहीं करना है, जागरूक है। उसके बाद हम लोगों को स्वच्छाग्रही बना के और भेजा गया ब्लॉक स्तर से। किसके द्वारा भेजा गया आप लोगों को? वो तो DPRO सर जी। अभी आप क्या, किसको आपने पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोग क्या उनके मांगे हैं? प्रशासनिक अधिकारी को पत्र दिया, वो कहे कि हम DM तक आप लोगों का आवाज पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाभ को प्राप्त करें। जी जी, आपके क्या पत्र में आपने किस तरह का आपने मांग लिखा है? जैसे पत्र में हम लोग जो वंचित रह गए हैं, CLPS चैंपियन हैं, लेकिन हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए, हमारे अधिकारों का हनन किया गया। हमारे पास कोई CLPS चैंपियन का कागज नहीं है, ना कोई ID है। अपने बल पे जाके प्रधान से मिलकर, सचिव से मिलकर काम तो करते रहे, लेकिन जब पैसे की बात आई तो सारा गमन हो चुका है। वो प्रधान और सचिव और शायद प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी राजेश यादव जी। कहाँ के प्रधान? हर गांव के अलग अलग। हर गांव के अलग अलग। हम लोग 17 ब्लॉक से। अच्छा, 17 ब्लॉक। जी क्या मामला है आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय के पास आए हुए हैं? सर, मामला तो बहुत है, लेकिन हम छोटे मोटे में बात कहते हैं। जब जब भी काम आता है दूर दूर जाने के लिए तो स्वच्छाग्रही को ढूंढा जाता है, जैसे कि प्रयागराज जाने, इलाहाबाद जाने के लिए बात हो गई, जैसे गुजरात जाने की बात आ गई, जैसे बिहार जाने की बात आ गई, तो उसमें हम लोग के ढूंढा जाता है। आखिर क्यों हम लोग काम नहीं दिया जाता है? जी, आप लोग वहाँ पे जाने के लिए क्या ट्रेनिंग आप लोगों को दिया? ट्रेनिंग तो नहीं, ट्रेनिंग किया नहीं किया, वही ट्रेनिंग के बिलक को हम लोग गए थे। CLPS ट्रेनिंग में जो 2 महीने ड्यूटी की है गांव में घूम घूम के 5-5 दिन, उसी का 10 दिन बाद किस योजना के अंतर्गत आप लोग आते हैं? जी, मेरा नाम संजय कुमार बेलोरी विकास खंड से। जी, क्या मामला है? मामला ये है सर कि स्वच्छ भारत मिशन की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना के तहत हम लोगों को प्रशिक्षित कराया गया है जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारी द्वारा, और उस प्रशिक्षण का ना तो हमको आज तक जो है प्रमाण पत्र दिया गया कि आप प्रशिक्षित हैं। और जी, आप लोग कितने लोग हैं टोटल? हम लोग 450 लोग हैं सर। जी, 450 लोगों को वंचित रखा गया? जी हाँ, सिर्फ प्रथम बैच के लोगों को जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। इस तरीके का प्रमाण पत्र जो है प्रथम बैच के लोगों को दिया गया, बाकी लोगों को नहीं। और इसके बाद में जो 5 बैच का और प्रशिक्षण हुआ उन लोगों को जो है किसी किस्म का जो है प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया, और न कोई परिचय पत्र दिया गया पंचायत राज विभाग द्वारा। तो क्या आप चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो है सबसे पहले तो 30 दिन का काम मिले, वेतन मान ना सही तो मानदेय पे ही मिले, लेकिन कुछ तो हो। हम लोग जो है अपना घर परिवार छोड़ के आखिर में लगे हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन की ओर, देश को जो है ODF बनाने के लिए, तो ODF प्लस की भी योजना आ चुकी है। तो हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को जो है 30 दिन का जो है काम मिलना चाहिए, वेतन मान दे न दे अलग विषय, मान दे तो कम से कम दे। और दूसरी बात यह है कि विभाग के द्वारा कम से कम हम जो लोग हैं भाई बहन हैं, इन लोगों को एक पुख्ता जो है प्रमाण पत्र मिले, ये जो है परिचय पत्र मिले, जिस वजह से कि जो विभिन्न योजनाएँ सरकार की आने वाली हैं उनमें जो हम प्रशिक्षित लोग हैं उन लोगों का तो पहले जो है स्थान बन ही जाए, उसके बाद में फिर जो है अन्य लोगों की यदि आवश्यकता पड़ती तो प्रशिक्षण कराए।
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।